सदगुरु को प्रणाम करते हुए आज हम सब लोग ध्यान के महत्व पर चर्चा करेंगे कि ध्यान हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन घटित कर सकता है और ध्यान के क्या लाभ। तो हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर अरविंद कुम आपके लिए ध्यान, योग, मेडिटेशन, इसके साथ साथ आयुर्वेद और अपने जीवन के विविध पहलुओं के विषय में नाना प्रकार के विषय पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। आपके लिए बहुत ही लाभदायक। हमारे साथ जुड़े रहना और इस वीडियो को सबको शेयर करेंगे तो आपको और भी पुण्य की प्राप्ति होगी। आप जानते हैं कि अष्टांग योग जो कि महर्षि पतंजलि ने इस संसार में फैलाया, उसने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग योग में समाधि के पहले आता है ध्यान। तत्र प्रत्येक दांत ध्यान, अर्थात ध्यान जो है विषय का एक, मन का एक किसी विषय पर एक दार जब हो जाए तब उसे हम ध्यान कहते हैं। और ध्यान के बाद होता है समाधि। समाधि एक चरम उत्कर्ष है ध्यान का, और उससे बढ़कर समाधि अपने में स्थित हो जाना, अर्थात अपने स्व में स्थित हो जाना, हमारे भीतर आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, हम अपने को जान जाए, ये होती है समाधि। और उसके पहले की स्थिति है ध्यान। ध्यान जब धीरे धीरे घटित होने लगता है तो क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। इसको सत्व गुण में स्थित होना कहते हैं। तो सत्व गुण में स्थित होना हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। अब जानते हैं तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तम जो है अंधकार का प्रतीक है। रज में हम जो नाना प्रकार के काम कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, सब रजोगुण के लक्षण। और जो सत्व गुण होता है वो तो एकदम शांत अपने में स्थित होने वाली भावना है। जब तक हमारे मन में कुछ कर्तव्य की भावना है, हम रजोगुण में। और सत्व गुण भी कर्तव्य की भावना को तिरोहित कर देता है, और तमोगुण तो अंधकार में ही ले जाता है। दोनों ही अलग प्रकृतियों, एक प्रकार से विपरीत ध्रुव है। अब गोरख संहिता, घेरट संहिता में ध्यान की बहुत जबरदस्त महिमा बताई गई। अर्थात ध्यान योग, जप, दान, जितने प्रकार पुण्य है, उन सबसे सर्वोत्तम है ध्यान। तो ध्यान एक ऐसी विधा है जो हमें अपने तक पहुंचाती है और हमें परमात्मा से भी मिलन करवाती है। अर्थात अगर हम ध्यान करते हैं तो हम अपने में स्थित हो जाते हैं। और आप जानते हैं इसी को भगवत गीता कहती है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण। अर्थात हमें कुछ पाना शेष ही नहीं, तो हम नाना प्रकार की चिंताओं से परे हो जाते हैं। क्योंकि जब तक चिंताएं हैं तब तक रोग है। बहुत सारे रोग जो होते चिंताओं के कारण होते, अगर हम चिंता दूर कर दे तो रोग दूर हो जाएगा। अब रोग दूर हो तो इससे बड़ा स्वास्थ्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है निरोगी काया। अब जानते हैं कि सुखी जीवन के लिए तीन बहुत अच्छे पैरामीटर लोगों ने बताए हैं कि घर में माया हो, पुत्र आपका आज्ञाकारी हो, पत्नी आपके बस में। ये तीनों ही लक्षण ध्यान से स्वतः ही प्रकट होते हैं। आप देखते होंगे भगवान विष्णु हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। माँ लक्ष्मी जी उनकी सेवा जरूर करती रहती हैं, लेकिन भगवान हमेशा ही ध्यान में मग्न रहते हैं। आपने भगवान शिव की मूर्ति देखी होगी जो हमेशा ध्यान में मग्न रहती है। आपने महात्मा बुद्ध को देखा होगा जो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। महावीर स्वामी को देखा होगा जो ध्यान में ही मग्न रहते हैं। इसे तात्पर्य क्या संदेश जाता है कि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो सर्वोत्तम अवस्था। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का जब वर्णन आता है तो उसमें आता है कि प्रातः काल उठ करके अपने बिस्तर छोड़ने के पहले वो ध्यान किया। तो जब भगवान उठ करके ध्यान कर रहे हैं, भगवान विष्णु ध्यान कर रहे हैं, भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं, तो हम आप क्या है, तो हम आपको भी इन महान लोगों के गुणों का अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा मानते हैं कि परमात्मा ने हमें बनाया है तो परमात्मा के गुणों का अनुकरण करना हमारा स्वधर्म है। अब परमात्मा का ध्यान करें तो हमें भी करना चाहिए। इसी तात्पर्य बच्चे से लेकर बूढ़े तक, श्रेष्ठ के जितने प्राणी हैं, सबको ध्यान परमावश्यक है।